हेलो हाय, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग। सो आज का वीडियो होने वाला है ज्वेलरी हॉल। जितनी भी ज्वेलरी थी, जंक ज्वेलरी जो होती है ना, डेली वेयर या फिर पार्टी वेयर आप बोल सकते हो, वो सारी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। ये सब मैंने इस बॉक्स में डाली है। ये अंडर 200, आप बिलीव नहीं करोगे। कुछ कुछ पीसेस तो ऐसे हैं कि जो सिर्फ आपको 50 रुपये में, ओनली 50 रुपये में मिल जाएंगे, जो कि आपको लोकल स्टोर में या फिर लोकल दुकान में मिलते हैं ना, बिल्कुल वैसे। एंड सबकी क्वालिटी भी अलग अलग एंड काफ़ी अच्छी है। सो ये ज्वेलरी जो है वो मैं काफ़ी टाइम से इकट्ठे कर रही हूँ। मतलब लास्ट ईयर इस टाइम मैंने ये बाय की थी, सो दैट मैं आप लोगों के साथ वीडियोस शेयर कर सकूँ, कुछ मेकअप के वीडियोस एंड ऑल, जो भी मेरा प्लान था, बट वो मैं नहीं कर पाई। यूट्यूब से गायब थी बहुत दिनों तक, तो वो सब कुछ प्लस अभी कुछ कुछ स्टफ मैंने बाय किया, तो वो सब मैं आप लोगों के साथ आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। प्लीज़ देखिएगा जरूर, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल प्लस बहुत ही यूजफुल सा वीडियो है। सो आगे बढ़ने से पहले, अगर आपको ऐसे वीडियो अफोर्डेबल वाले अच्छे लगते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ऐसे काफी सारे छोटे मोटे होल्स आपको मेरे चैनल पे देखने के लिए मिल जाएंगे, अगर पसंद आता है तो, कोई जबरदस्ती नहीं है। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। सबसे पहला पीस मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो है ये वाला नोज पिन का। तो ये 12 का सेट आता है। नॉर्मली नवरात्रा के अंदर नोज पिन पहनने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती है। नवरात्रा हो गया या फिर जो भी कोई ट्रेडिशनल कपड़े आप पहन रहे हो, ड्रेसअप, जो भी आउटफिट आप ट्रेडिशनल डाल रहे हो, इंडो वेस्टर्न डाल रहे हो, अभी जैसे शादियों का सीजन है तब भी आप पहन सकते हो। तो इसके अंदर है ना आपको अलग अलग 12 मिल जाएंगे। अंडर 200 आई थिंक 170 समथिंग की ये आई होगी। इसके अंदर आपको गोल्डन मिल जाएगी, 6 एंड 6 ही मिल जाएगी सिल्वर। कुछ कुछ ड्रेसेस में क्या होती है कि सिल्वर काम किया रहता है, मतलब सिल्वर धागे का होता है, गोटा पत्ती का होता है, तो हम सिल्वर पहनते हैं। किसी किसी के अंदर है ना गोल्डन कढ़ाई की हुई रहती है, जो जरी का काम होता है, तो आप ये गोल्डन वाला पहन सकते हो। तो इसके अंदर ना आपको 6+6+6 12 आपको पीसेस मिल जाएंगे। इसकी जो पैकेजिंग है इस तरह की गोल्ड डब्बी के अंदर आई है, तो इसी के अंदर ये रहेगी, इधर उधर गिरेगी भी नहीं। एंड ये वाली जो पैकेजिंग आई है फोम के अंदर, ये भी मुझे बहुत अच्छी लगी, इससे भी इधर उधर गिरेगी नहीं। इससे पहले जब तक मैंने नोज पिन बाय की है ना, हर बार वो कहीं ना कहीं खो जाती है। एंड प्राइस वाइज भी मुझे बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल लगा। 170 के अंदर आप देखो इतने सारे पीसेज मिल रहे हैं, तो आप खुद ही लगा लो कि कितनी ज़्यादा सही है। सेकंड मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ये ईयर कफ्स। ईयर कप्स बोल सकते हो या फिर ईयर रिंग्स बोलते होंगे या ईयर स्टड बोल सकते हो, बट ये जो है वो बहुत ही डिफरेंट स्टाइल में है। अगर मैं पैकेजिंग की बात करूँ तो इस तरह के बॉक्स में ये आया है, डीसी के अंदर रखा हुआ था। ये मैंने तब लिए थे जब मैंने ईयर लूप्स करवाए थे, मतलब मेरे जो कान के जो छेद है वो मैंने बंद करवा लिए थे, दूसरे मैंने बिंधवाए थे, तो उस टाइम मेरे को पहनने के लिए कुछ चाहिए था, उसी टाइम के लिए मैंने लिए थे। एंड अनफॉर्चुनेटली मैंने उस टाइम नहीं पहन पाई एंड मैंने कुछ यूज़ में नहीं लिया। ये पहनने के बाद ना बहुत सुंदर लगता है, जैसे मैं अभी आपको एक डाल के दिखाती हूँ। पहनने के बाद कुछ ऐसा लुक देता है, बहुत ही सुंदर लगता है। आप चाहो तो दोनों ईयर रिंग्स में पहन सकते हो, चाहो तो एक में पहन सकते हो, आपकी मर्जी है। तो इसमें ज़रूरी नहीं होती कि आपकी ईयर पियर्सिंग की हुई हो, अगर आपने नहीं करवा रखी है तो भी आप पहन सकते हो एंड बहुत ही सुंदर सी लगती है एंड अलग हटके है। एंड इसकी क्वालिटी भी मुझे बहुत अच्छी लगी। प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा लगी थी उस टाइम, आई थिंक 150 से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने इसके लिए पे किया है। ऐसा डिफरेंट अलग हटके पीस है तो प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है। नेक्स्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ अलग हटके, पूरा का पूरा वीडियो मुझे अलग हटके ही जा रहा है। ये है पैरों के कड़े। ये भी मैंने उसी टाइम यानी लास्ट ईयर मैंने ये ऑर्डर किए थे, क्योंकि मुझे राजपूती कुछ अलग हटके लुक करना था एंड कुछ राजपूती ऐसा स्टफ में है ना इकट्ठा कर रही थी जो थोड़ा सा डिफरेंट हो, तो उसी के लिए मैंने ये बाय किए थे पैर के कड़े। तो ये भी अंडर 200 आए थे। कितना इसका प्राइस है मुझे अभी याद नहीं है। इसके अंदर है ना एक प्रॉब्लम है, ये देखो इसकी ना साइज़ जो ये बोलते हैं ना फ्री साइज़, वो नहीं है। आपको ऐसे एडजस्ट करके ये अपने पैरों में इस तरह डालना पड़ेगा, डाल करके वापस ऐसे फिक्स करना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि खींच कर लंबे हो जाएंगे, मुझे ऐसे लगा स्प्रिंग वाले हैं, ऐसे खींचा और लंबा हो जाएगा। ये जो पैरों के कड़े हैं वो आजकल काफ़ी ट्रेंड में आ रहे हैं एंड इवन राजपूती ड्रेस पे भी बहुत सुंदर लगते हैं। आप और भी कोई पटियाला या फिर कोई और ड्रेस पे भी पहन सकते हो, सिंगल वन पहन सकते हो, एक पहनो तो अच्छे लगते हैं। जस्ट ये लटकन नहीं हो अगर आप कोई जींस या फिर सिंगल उसके साथ पहन रहे हो तो, बट मैंने क्योंकि राजपूती ड्रेस के अकॉर्डिंग बाय किया। इसकी जो क्वालिटी है वो थोड़ा सा मुझे कम पसंद आया। ये देखो ये एकदम से मुड़ भी गया है, ऐसे करने से थोड़ा सा मुड़ रहा है, एकदम क्लमजी सा है देखो। तो इसके ना क्वालिटी वाइज ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं है। बाकी आप इस तरह पैरों के कड़े काफ़ी सारे ऑप्शन आप ले सकते हो, मुझे इतना पसंद नहीं आया है। जस्ट मैं एक दो बार शायद वीडियोज़ के लिए यूज़ में लूँ एंड आगे कभी पर्सनली तो यूज़ में ना ले पाऊँ। आप इसको अलग अलग वे में यूज़ कर सकते हो, ये आपकी क्रिएटिविटी है कि आप इसको कहाँ कैसे क्या पहनो। सो नेक्स्ट मैं बात करने वाली हूँ अगेन ईयर रिंग्स की। सो ये जंक ज्वेलरी के सबसे ब्यूटीफुल ईयर रिंग्स है। सबसे पहले तो इसकी पैकेजिंग देख लो आप, इस तरह की पैकेजिंग में ये आया है
एंड उसके अंदर ये वाली पैकेजिंग आई है, बहुत ही प्यारे से सुंदर से झुमके हैं जो कि मेरी ये वाली ड्रेस के साथ भी परफेक्टली जा रहे हैं। ये आपकी रेड कलर की, येलो कलर की, किसी भी तरह की ड्रेस के साथ बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेंगे। बहुत ही ट्रेंडी है ये वाली इयरिंग्स, आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहे हैं। इयरिंग्स ज़रूर होने चाहिए अपने पास, जो कि कोई भी कॉटन की ड्रेस के साथ हम इंडो वेस्टर्न लुक दे सकें या फिर गरबा वाला लुक जो होता है ना वो दे सकें सुंदर सा। सो उसके लिए मैंने ये मंगवाया था एंड बहुत ही प्यारा लगा मुझे। ये भी अंडर 200 में, आई थिंक 150 का होगा। अभी तो पहनने के बाद कुछ ऐसा लुक आ रहा है, थोड़े से हेवी लग रहे हैं, इतना ज़्यादा लाइट वेटेड तो नहीं लग रहे हैं बट स्टिल इतने ज़्यादा हेवी भी नहीं लग रहे हैं कि कान टूट रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। आपकी रेड कलर की ड्रेस के साथ, व्हाइट कलर की ड्रेस के साथ ज़्यादा मैच होंगे, इसके साथ में भी हो रहे हैं बट उनके साथ ज़्यादा उठ कर दिखेंगे। नेक्स्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ जो मैं बता रही थी ना 50-50 की ज्वेलरी मिली है, वो इस बॉक्स में आई है। इसके ऑलरेडी मैं दो सोर्स आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। ये दो मुझे पर्ल की इयररिंग्स मिले हैं और दोनों ही बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। इनकी डिज़ाइन एंड इनका काम बहुत सुंदर है। 105 रुपये मैंने इसके लिए मैंने पे किए हैं, आपको बता दूं। एंड 105 में मुझे इस तरह के दो पीसेज मिले हैं और ये दोनों मैं ना सिर्फ पहन चुकी हूँ, आप लोगों के साथ शेयर भी कर चुकी हूँ शॉर्ट्स के अंदर। तो इसके अंदर ना पहला ये वाला इयररिंग्स अगर मैं शेयर करूँ ना, तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर, बहुत ही ज़्यादा लाइट वेटेड ये वाला इयररिंग है। बहुत ही ज़्यादा सुंदर सा है, बहुत ज़्यादा लाइट वेटेड है, पहनने के बाद बिल्कुल फील ही नहीं होता कि कुछ पहन रखा है। इनकी शाइन बहुत अच्छी है। ओनली 50 रुपये में आपको ये वाली इयररिंग्स मिल जाएंगे एंड पहनने के बाद भी बहुत सुंदर लगते हैं। मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं इनको 2-3 बार पहन चुकी हूँ एंड अभी मैं आप लोगों के साथ पहनकर शो भी कर देती हूँ कि पहनने के बाद कैसे दिखाई देते हैं ये। सो ये देखो, पहनने के बाद ऑल ओवर आपका लुक इन्हेंस हो जाता है, लुक जो है वो एकदम से इन्हेंस हो जाता है। हर तरह की ड्रेस के ऊपर ये जाता है, जैसे आप लोगों को दिख रहा है कि ये वाली जो ब्लैक कलर की ड्रेसेस पे भी जा रहा है, रेड, मैरून, हर तरह की ड्रेस पे जाता है। एंड पर्ल तो मोती की ज्वेलरी तो ऐसी है जो कि हर किसी पे परफेक्टली जाती है। तो ये ओनली 50 रुपये में, और सबसे अच्छी बात ये लाइट वेटेड है। मुझे सबसे अच्छी बात यही लगी कि बिल्कुल लगता ही नहीं कि आपने कुछ पहना है, अदरवाइज इयररिंग्स आप ज़्यादा देर तक पहन नहीं सकते। मैं सेकंड वाला पीस दिखाऊं तो वो ये है, इस राउंड में हुप्स डिज़ाइन में आए हैं एंड इसके चारों तरफ ऐसे पर्ल की ये वाली डिज़ाइन की हुई है। तो ये थोड़ा सा हेवी है, कंपेरिजन अगर उससे करो ना, ये हल्का सा हेवी है बट स्टिल उतना हेवी नहीं है कि आप पहन ना सको। लगते ही नहीं है कि ये 50 रुपये में सिर्फ हमें मिले हैं, कोई शिपिंग चार्ज नहीं, कुछ नहीं। तो ये भी बहुत सुंदर लगते हैं, ये आपके वेस्टर्न वेयर पे ज़्यादा अच्छे लगते हैं आई थिंक, इंडियन वेयर की बजाय कुर्ता वगैरह पे, सॉरी टॉप वगैरह पे ज़्यादा सुंदर लगते हैं। तो ये दोनों 50-50 के मिले, बेस्ट डील मुझे ये लगी। मैं बात कर लेती हूँ नेक्स्ट एंड लास्ट पीस की। ये है चोकर जो कि ये वाली पैकेजिंग के अंदर आया था, अलग से कोई पैकेजिंग नहीं आई इसकी, जस्ट पॉलीथीन की पैकेजिंग आई थी। बट दिखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर सा, रॉयल सा है, आप लोगों को दिखाई दे रहा है, बहुत ही सिंपल सा। आई थिंक 150 के अंदर आ गए होगा, जो भी प्राइस है मैं आपको मेंशन कर दूंगी, आप देख लेना। बहुत सुंदर लगता है पहनने के बाद ये भी, आप कोई भी इंडो वेस्टर्न ड्रेस के साथ में पहन सकते हो, साड़ी पे पहन सकते हो, कुर्ती पे पहन सकते हो, हर किसी पे बहुत सुंदर लगेगा। जैसे इस पे भी बहुत क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छा है। सो ये था आज का वीडियो, क्यूक सा हॉल, जिसके अंदर मैंने काफ़ी सारी ज्वेलरी आप लोगों के साथ शेयर की, बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल सी, चीपेस्ट ज्वेलरी मैं बोल सकती हूँ। ये था आज का वीडियो, आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा, आप लोगों के लिए यूजफुल रहा होगा। अगर वीडियो थोड़ा बहुत भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स फैमिली सबके साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। एंड ऐसे वीडियोज़ और देखने हैं तो प्लीज़ कमेंट जरूर करना है, इसमें से जो कुछ भी आपको अच्छा लगा हो। अगर ब्लैक वाली कोई ज्वेलरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ब्लैक हार्ट छोड़ दीजिए, और अगर पर्ल वाली कोई व्हाइट वाली ज्वेलरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ व्हाइट हार्ट छोड़ दीजिए। मिलती हूँ नए वीडियो में, तब तक के लिए।